हरियाणा के कई शहरों में पुलिस की तरफ से सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया जा रहा है। पुलिस की लाख सख्ती के बावजूद होटलों में काला कारोबार करने वाले संचालकों को कोई खौफ नहीं है, लेकिन पुलिस भी वैश्यवृत्ति का धंधा चलाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ा रुख अपना रही है। इसी कड़ी में सिटी पुलिस ने नरवाना पटियाला रोड पर चल रहे सपा सेंटर पर रेड कर 3 लड़कियों व 2 लड़कों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। नरवाना में नवदीप स्टेडियम के सामने स्पा सेंटर की आड़ में वैश्यवृत्ति का धंधा चल रहा था। कुछ दिन पहले सेक्स रैकेट को लेकर एक ऑडियो भी वायरल हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने स्पा सेंटर में दबिश दी और आरोपियों को गिरफ्तार किया। उसमें हमारी महिला सब इंस्पेक्टर ने किसी सूचना के आधार पर रेड की थी अपने नरवाना पटियाला रोड पर स्टेडियम के सामने, तो वहाँ 2-3 लड़के और 3 लड़कियाँ मिले हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो कुछ पता लगा सर ये कहाँ के रहने वाले थे और कितने समय से चल रहा था? नहीं, अभी तो ये पूरी बातें हम पूछताछ कर रहे हैं, और ये लड़की है बाहर की है और लड़का है एक यहाँ उजाणा का है और एक कोतकला का। कितने लड़के लड़कियाँ बरामद किए गए? 2 लड़के हैं 3 लड़के। तो इनके खिलाफ सर क्या कार्रवाई की गई? इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो सर ऑडियो क्लिप जो वायरल हुई थी उसके बाद एक्शन लेना पड़ा आपको? नहीं, हमारे पास तो कोई ऑडियो क्लिप नहीं, हम तो सामान्य रूटीन में अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो सर एक पुलिस पर भी सवाल या निशान खड़ा होता है इसमें, तो किस चीज़ का? लोगों का आरोप है कि पुलिस की मिलीभगत से इस प्रकार का। वो स्वाभाविक बात है, कोई भी सामाजिक गलत काम होता है या किसी भी, तो पुलिस पर आरोप लगना स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन हमारी तरफ से ऐसी कोई छूट किसी को। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ वैश्यवृत्ति अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक बाहर से स्पा सेंटर में बाहर से लड़कियां बुलाई जाती थी, जबकि दोनों लड़के जिला जींद के रहने वाले हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि नेशनल हाईवे स्थित स्पा सेंटर पर देह व्यापार का धंधा चल रहा है, जिसके बाद स्पा सेंटर में छापेमारी की गई और आरोपियों को धर दबोचा गया। नरवाना से गुलशन चावला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।